किसान पक्का मोर्चा धरने पर बैठे 17 किसान संगठनों ने मीटिंग में लिया एक बड़ा फैसला। 19 अक्टूबर को प्रदेश भर में शुरू होगा काले कानूनों के खिलाफ विरोध। कल से सीएम सिटी करनाल में भी सिरसा के किसानों द्वारा समर्थन में शुरू होगा धरना। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे किसानों का पक्का मोर्चा धरने पर आज प्रदेश भर से 17 किसान संगठनों के पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की गई। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव दिलबाग सिंह हुड्डा ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि 19 अक्टूबर से पूरे हरियाणा में तीनों काले कानूनों के विरोध में प्रचार अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा संगठनों के पदाधिकारियों व किसानों की टीमें बनाई जाएंगी जो गांव-गांव जाकर के इन काले कानूनों के प्रति किसानों को जागरूक करेंगे। उन्होंने बताया कि 22 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में सिरसा के आंदोलन के दमन के विरोध में तीनों कानूनों को वापस लेने के तथा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे के लिए सभी जिलों में ज्ञापन दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कल सीएम सिटी करनाल में सिरसा के किसानों के आंदोलन के समर्थन में धरना शुरू हो जाएगा। अगर सरकार फिर भी नहीं चेती तो इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएंगे। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। सर, ऐसा है, हमारे 17 संगठनों की मीटिंग, उनके प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, पदाधिकारी जो है वो सारे आए हुए थे और अलग से 1.5-2 घंटा मीटिंग हमारी चली है और अच्छे तरीके से बातचीत करके ये निर्णय लिया गया है कि पहले तो कल ही 16 तारीख को करनाल के अंदर सीएम सिटी के अंदर धरना शुरू करवा दिया जाएगा। सुबह ही आज परिपरी हो गया, सारी तैयारी हो गई है, कल से सीएम सिटी में धरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे और 19 तारीख से हमें एक जत्था चलेगा यहाँ से और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएगा, जिला पहले यहाँ सिरसा से फिर फैजाबाद फिर हिसार, इस तरह से, और आगे जिला वाइज प्रोग्राम करते चलेंगे, जो लोगों को बताएंगे कि भाई ये पीपली में ये मतलब लाठियाँ मारी गई किसानों के, यहाँ भी 6 तारीख को लाठियाँ मारी गई, असुरु कैसे घोड़े छोड़े गए इनके विरोध में कि भैया सरकार क्यों कर रही है किसानों के साथ जाती। दूसरा, जो तीनों काले कानून पारित हो गए हैं, पास हो गए हैं, इनके विरोध में तो उस पूरा हरियाणा कवर मतलब किया जाएगा उसमें, और 22 तारीख को जिला वाइज ज्ञापन दिया जाएगा के बाद सारे संगठन इकट्ठा हो गए, हमारे 17 संगठन वो सारे निर्णय लेंगे भाई उससे आगे की क्या कार्रवाई, क्या रूपरेखा बनाई जाएगी। और अब मौके पर जो सराउंडिंग के गांव हैं उन गांवों में जाके प्रचार किया जाएगा, ये किसान विरोधी, आढ़ती मंडी विरोधी जो कानून पास हुए हैं उनको बताया जाएगा। लोगों को अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, तीनों जो ये हैं काले कानून जो आपके सामने हस्ताक्षर हो चुके हैं राष्ट्रपति के, उनके बारे में बताया जाएगा। Get out.